द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज एट द ओरिजिन इट फॉलोज दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स द राइट ऑफ द ओरिजन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजन तो क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है पता नहीं कितने पार्टिकल हैं नहीं दिया हुआ कितनी डिस्टेंस पे है वो पार्टिकल ओरिजिन से नहीं दिया हुआ ठीक है लेकिन ये दिया हुआ है कि उन पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो है ओरिजिन पे तो पक्की बात है कि ए चीज़ फॉलो होती है ये क्वेश्चन कह रहा है तो मेरे को चेक करना है कि वो फॉलो होती है या नहीं होती है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू द राइट यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं ओरिजिन के राइट पे और ओरिजिन के लेफ्ट पे वो सेम होंगे ओके okay? क्या ऐसा हंड्रेड परसेंट ट्रू है चेक करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे एम 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 मास के फोर पार्टिकल्स ले लिए फोर एम हो गया यहाँ पे मैंने लिया एम मास का सिर्फ एक ही पार्टिकल लेकिन इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है फोर मीटर्स की और इन चार पार्टिकल्स की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो है वन मीटर की इस केस में जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे है ओरिजिन पे है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं तब भी ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत बी ऑप्शन देखिए द टोटल मास ऑफ द पार्टिकल टू द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन इज सेम एज द टोटल मास टू द लेफ्ट साइड तो मास की बात हो रही है इसको भी हम इसी से प्रूफ कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो मास है वो है एम राइट साइड पे मास है फोर एम तब भी ओरिजन पे है सेंटर ऑफ मास तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया क्योंकि ऑप्शन कह रहा है लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे मासेस सेम होने चाहिए ठीक है होने चाहिए तब भी सेंटर ऑफ मास हो सकता है कि ओरिजन ओरिजन पे हो लेकिन ज़रूरी नहीं है तो इसलिए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा सी ऑप्शन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन एक्स एक्सेस शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन वाई एक्सेस इसको देखिए आप अब इस कंडीशन को देखिए मेरे को पार्टिकल्स की लोकेशन नहीं दी हुई एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ अगर ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया तो ऐसा पॉसिबल है कि इस ट्राइंगल के इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास लोकेटेड हो और ये पॉइंट हो ओरिजिन ठीक है तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो है वो सेम नहीं है तो सी ऑप्शन भी हो गया मेरा रॉन्ग अब देखते हैं डी ऑप्शन इफ देर इज अ पार्टिकल ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस देर मस्ट बी एटलीस्ट वन पार्टिकल ऑन द नेगेटिव नेगेटिव एक्सिस प्रीवियस वाले पोर्शन से हम इसको रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि अगर एक पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो तो एक और पार्टिकल मेरे को नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चाहिए तभी ओरिजन पे सेंटर ऑफ मास होगा ऐसा जरूरी नहीं है ऐसे केस में भी सेंटर ऑफ मास ओरिजन पे हो सकता है जब एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे है और दूसरा माइनस एक्स एक्सिस पे नहीं है थैंक यू